हेलो एवरीवन, आज हम लाए हैं गुड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसडीएस के अंडर कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि आज जनरल ट्रेनिंग भी अब एक्सेप्टेबल है एसडीएस के अंडर स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट्स के लिए जो काफी टाइम से पीआर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो 777 बैंड नहीं ले पा रहे। अगर वो कनाडा जाने का अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं स्टडी वीजा के थ्रू, तो उन लोगों को दोबारा आईएलटीएस एकेडमिक देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना सेम टीआरएफ जनरल ट्रेनिंग का यूज कर सकते हैं टू गेट एडमिशन अंडर एसडीएस। एसडीएस के अंडर रिक्वायरमेंट विल बी सेम जो पहले थी, विच इज 6 ईच। अगर आपके आज जनरल ट्रेनिंग में भी 6 ईच आते हैं तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं एसडीएस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। एसडीएस के अंडर एडमिशन लेने का बेनिफिट ये है कि आगे चल के आपको वर्क परमिट इजीली मिल जाता है। अगर आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ कॉलेजेस में इधर वर्क परमिट लेने में प्रॉब्लम आती है या फिर वर्क परमिट है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जनरल ट्रेनिंग के साथ एसडीएस के अंडर अप्लाई करने के लिए। अब इसमें एक बेनिफिट आईएलटीएस एकेडमिक उन स्टूडेंट्स का भी हो गया है जो काफी टाइम से आईएलटीएस में ईच 6 लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको रीडिंग में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जनरल ट्रेनिंग के कंपैरिजन आईएलटीएस एकेडमिक की रीडिंग लिटिल बिट टेक्निकल है। तो कुछ कैंडिडेट्स के सब में 6 बैंड आ जाते हैं, लेकिन आईएलटीएस रीडिंग में उनके 5.5 या 5 बैंड ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नॉन एसडीएस अप्लाई करना पड़ता है और आगे जाके काफी प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है वो कैंडिडेट्स भी आज जनरल ट्रेनिंग दें, क्योंकि इसकी रीडिंग में आपको 6 लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है, फॉर जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट, फॉर एकेडमिक ऑल्सो, क्योंकि दोनों के लिए ये एक अच्छा मौका आ गया है कि वो एसडीएस के अंडर ईच 6 लेके अप्लाई कर सके। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। थैंक यू।